अगली खबर में बात करते हैं फूड पॉइजनिंग को लेकर। मंडला जिला मुख्यालय और नारायणगंज विकास खंड के मंगलगंज, चिराई, डोंगरी, कोंडरा, सहजनी, लालपुर, भवाल गांवों में जहरीली फुल्की से कोहराम मच गया। यहां फूड पॉइजनिंग के चलते करीब 40 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से जिला अस्पताल और नारायणगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय और टिकरिया थाना अंतर्गत मंगलगंज, चिराई, डोंगरी समेत आधा दर्जन गांवों में एक फेरी लगाकर फुल्की बेचने वाले की फुल्की खाने के बाद ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां होने लगी, जिसके बाद सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। ग्रामीणों और मुख्यालय के लोगों का कहना है कि उन्होंने फेरी लगाने वाले की फुल्की खाई थी, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी। लोगों की तबियत बिगड़ते देख ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से उन्हें चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। की बात तब ज्यादा हो जाती है कि लगातार केसेस का बढ़ना और उन केसेस में बच्चों की संख्या का सबसे ज्यादा होना। शाम 4 बजे तक भी मैं लगातार डॉक्टर और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मैं संपर्क में था, लेकिन शाम होते होते केसेस बढ़े हैं। और जब मैंने ये पता किया कि विशेषज्ञ की टीम अभी तक नहीं पहुंची, प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंची। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतला विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद।